हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में लोग कवर करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री के ओनली फॉर वीवीआई क्वेश्चन। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आप लोगों को हर हाल में देखना है, क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, तो डी नंबर यानी चीन के साथ जो है ये व्यापारिक संबंध नहीं था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर दो। तो दो नंबर स्क्रीन में है, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे। तो हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे, तो इसका राइट आंसर दो नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यानी काली बांगन में मिले थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर तीन। तो तीन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो राइट आंसर यानी सी नंबर श्रवण वेलगोला राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर चार। तो क्वेश्चन नंबर चार यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या थी। तो अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या थी, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी ए नंबर यानी बौद्ध धर्म, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर पाँच स्क्रीन में है, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी डी नंबर सी नंबर यानी रुद्रदमन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर तो दोस्तों देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर छः यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, तो राइट आंसर सी नंबर यानी आठ प्रकार के उल्लेख का विवाह किया गया है, सॉरी विवाह का उल्लेख किया गया। अब बढ़ते हैं पर क्वेश्चन नंबर सात की ओर। तो सात नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाले स्त्री का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर डी नंबर सुजाता नाम की लड़की थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं आठ नंबर क्वेश्चन। तो आठ नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि धर्म परिवर्तन क्या है, धर्म परिवर्तन चक्र क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर धर्म चक्र परिवर्तन क्या था, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी प्रथम उपदेश। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर नौ। तो नौ नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ। ठगी प्रथा का अंत जो किसके काल में हुआ, तो इसका राइट आंसर सी नंबर यानी बैंटिक के काल में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर दस। तो दस नंबर क्या बोला जा रहा है, कि पानीपत के द्वितीय विश्व युद्ध अकबर ने किसे प्राप्त किया था। सॉरी यहाँ पर क्या है कि द्वितीय युद्ध में यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसको हराया था, तो इसका राइट आंसर सी नंबर यानी हेमू को हराया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा यानी राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों विदर, सी नंबर राइट आंसर यानी विदर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सल्तनतकालीन प्रथम मस्जिद कौन सी बनी। सल्तनतकालीन यानी सल्तनत काल में कौन सी जो है पहली मस्जिद बनी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी ए नंबर कुवतुल इस्लाम बनी थी, कुवतुल इस्लाम ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। तो बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा यानी ए नंबर कबीर के जो है उपदेश है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस सिख के सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ। किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ, तो इसका राइट आंसर बी नंबर तेग बहादुर राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी बल्लभाचार्य हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी नंबर यानी 14वीं शताब्दी में की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था। तो इस 17 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर यानी बर्नियर राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन था। तो अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन था, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी कॉर्नवालिस हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की 19 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 के, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी तो कहाँ की थी। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों, यानी सूरत में की थी, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन 20, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्लासी का युद्ध हुआ तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों ए नंबर राइट आंसर, यानी 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन आ चुकी है। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था। तो 21 नंबर का राइट आंसर सी नंबर, यानी सी ले राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी रंगून में हुई थी। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सी नंबर, यानी इंडो सारा सैनिक शैली। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल को पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर अपलोड होती है। अब यहाँ पर क्या है, फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला किस नगर में बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी सी नंबर, यानी मद्रास में हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है 25 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, करेगी कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है। तो कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर, यानी हुगली नदी के तट पर है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेगी किसने निम्नलिखित में भारत का सरताज किसे कहा गया है। तो सरताज जो किसे कहा गया, तो इसका राइट आंसर बी नंबर, यानी मुंबई को कहा गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, करो या मरो का नारा किसने दिया। काफी आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ए नंबर, यानी गांधी जी ने दिया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसका राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर, श्री कृष्ण, गोपाल कृष्ण गोखले। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर यानी डी नंबर हो जाएगा, सॉरी बी नंबर, यानी 1939 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 30, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी 23 मार्च 1931, सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, इसका राइट आंसर बी नंबर, यानी असहयोग आंदोलन हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 32, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। पूना समझौता किस वर्ष हुआ, तो इसका राइट आंसर जो है 1932 को हुआ था पूना समझौता। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। तो ब्रह्म समाज संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर ए नंबर, यानी राजा राम मोहन राय। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन आ चुके यहाँ पर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर, दयानंद सरस्वती राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35, क्या बोला जा रहा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मौलाना आजाद ने किस दिन को काला दिन कहा था। तो इसका राइट आंसर 36 नंबर का सी नंबर, यानी 16 अगस्त को काला दिन कहा था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहां पर आ चुके हैं 37 नंबर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थाई अध्यक्ष जो थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी सच्चिदानंद सिन्हा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर जो मिस टाइप हो गया है, ए नंबर बोला जा रहा है यहाँ, तो गलत दिया है। तो यहाँ पर देखिए, अब 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा गया। तो इसका राइट आंसर बी नंबर, यानी भीमराव अंबेडकर। अब बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अंतरिम सरकार के प्रधान थे। तो अंतरिम होना, यानी अंतिम होना चाहिए, तो यहाँ अंतरिम कर दिया है। तो सरकार के प्रधान कौन थे, तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू।